तो जम्मू एंड कश्मीर का जो आज का पिक्चर है और उससे पहले का जो पिक्चर है, एक बार खुद सोचिए, हर कोई देख रहा है ये सीन। लेकिन एक वर्ग है जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका जो पॉलिटिक्स है आज हर किसी को समझ में आ रहा है, भले वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पोजीशन है वहां से रिमूव करा जा सकता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है। हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल आरजू वाईटी ब्लॉग्स में। आप एक बार सोचिए कि 370 जो आर्टिकल है जो आज से 4 इयर्स पहले हटाया गया था 5 अगस्त 2019, आज अगर वो वापस लाया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का जो आज का पिक्चर है और उससे पहले का जो पिक्चर है, एक बार खुद सोचिए क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है। आज का दिन में इसको वापस रिस्टोर करने के लिए क्यों कोशिश किया जा रहा है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो आपके लिए तो फ्री है मेरे लिए मायने रखते हैं, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। एक रिपोर्ट का अनुसार इन द ईयर 2022 में कश्मीर में लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट आया, वो कितना बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। आज कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुका है, टेररिज्म एक्टिविटीज ऑलमोस्ट ना के बराबर है, जिसका परिणाम स्वरूप G20 जैसे समिट का मीटिंग हमें दिखाई दिया। अगर मैं कंपेयर करूं पहले के टाइम से आज का वो जो परिस्थिति है वो कंप्लीट डिफरेंट है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देखा हुआ लाइव पिक्चर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई मीडिया ने बोला हमने वो चीज नहीं देखा, ऐसा नहीं है, ये पिक्चर सबको समझ में आ रहा है। भारत सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि पिछले 50 इयर्स में जो चीज कश्मीर में नहीं हुआ आज वो हो रहा है, डेवलपमेंट का एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। आज पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक अमन एंड शांति पूरा पिक्चर बन रहा है, हर कोई देख रहा है ये चीज। लेकिन एक वर्ग है जिसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहां क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है ये एक बहुत बड़ा इशू है, वो सिर्फ नॉट ओनली फॉर दैट स्टेट, वो पूरा देश के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देश शांति से रहे उन वर्ग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है, ये जो याचिका जिसने दाखिल किया था वो खुद एक आईएएस ऑफिसर है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर से, जिसका नाम है साफ फैजल, और उन्होंने याचिका देने के बाद खुद ही रियलाइज कर लिया कि ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है। आज सही में जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट वो पिक्चर डिफरेंट हो चुका है, तो उन्होंने इसको विथड्रॉ कर लिया। उसका ट्वीट देखिए, क्लियर पिक्चर है, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए पास्ट हो चुका है, अतीत बन चुका है, उसको अभी नहीं पकड़ना है, हमें डेवलपमेंट का साथ आगे बढ़ना है, ये क्लियर पिक्चर है। लेकिन अपना देश का सर्वोत्तम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बोला जी नहीं, हम इसका पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है ना पार्लियामेंट से, ये भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है, पार्लियामेंट लॉयर हाउस अपर हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की बहुमत से हुआ, लेकिन फिर भी चंद्रचूड़ साहब ने बोला हम इसका ऊपर सुनवाई करेंगे। देश का कोई भी संस्था, वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, उसका जो पोजीशन है बड़ा पोजीशन, अगर वो अपनी परसेप्शन के हिसाब से चीजों को देखे तो ये अच्छा नहीं होता है। हम सब जानते हैं आर्टिकल 370 हटाने के कारण कश्मीर का जो पिक्चर बना वो क्या पिक्चर है। आज गवर्नमेंट का जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने भी कहा कि 370 नहीं हटने से पहले वहां पर हजारों से ज्यादा ये स्टोन पेल्टिंग का केस हुआ था, आज वो नहीं हो रहा है उन्होंने कहा। लेकिन आप खुद एक बार सोचिए, जो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये जम्मू एंड कश्मीर से सबसे ज्यादा होता है, जो पूरा देश का जो रक्षा है उसका ऊपर सवाल होता है, देश की सुरक्षा का ऊपर ये एक सवाल होता है,
तो जब आज ये आर्टिकल हट गया है, जिसका कारण स्वरूप सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी सारा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो डायरेक्ट वहां पर टच हो रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप आज ये वहां पर टेररिज्म ना के बराबर है, तो देश में अमन एंड शांति है, जम्मू एंड कश्मीर में अमन एंड शांति है। लेकिन ये एक संस्था देश से बड़ा कैसे हो सकता है? देश का सुरक्षा सबसे पहले होता है, वो आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, देश सबसे पहले होता है। देश रहेगा तो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रहेगा, आप हम सब रहेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो कौन रहेगा? इसे आज का दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगभग 70,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लगभग 60 लाख केसेस है, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 370 वाला ये केस का सुनवाई होना चाहिए, जिसका परिणाम स्वरूप इन ए वीक 3 डेज इसका ऊपर सुनवाई होगा, जो कल ऑलरेडी हो चुका है, आज भी होगा, इसी हिसाब से 60 आवर्स कंप्लीट होना है, और जो लॉयर है इन लोगों को टाइम फिक्स करके दिया गया है, कपिल सिब्बल को 10 आवर्स, गोपाल सुब्रमण्यम को 10 आवर्स, इसे 4-5 आवर्स 60 आवर्स एडजस्ट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट इन ए वीक 5 डेज ओपन रहता है। हाँ, वो अलग चीज है, कोई सैटरडे संडे ओटिस्टा हो या पवन खेड़ा जैसा लोगों के लिए स्पेशली खुला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो लोग वो जो पेंडिंग केसेस है उससे काफी बड़ा है, तो इसीलिए स्पेशली कोर्ट खुला जाता है, उन लोगों का ऊपर राय दिया जाता है। आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए, जहां एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन फिर भी कुछ एक्टिविटीज जब ये लेफ्ट विंग वाला सोच रखने वाला होता है, वामपंथियों को खुश करने वाला होता है, तो आने वाला जो फ्यूचर है इसका जो इंडिकेशन है थोड़ा डिफरेंट लगता है। आप खुद एक बार सोचना, क्योंकि ये देश जितना मेरा है उतना आपका भी है, आर्टिकल 370 का रीस्टोर होना, ये जो लड़ाई है इसका जो पॉलिटिक्स है, आज हर किसी को समझ में आ रहा है, भले वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, लेकिन इसका पीछे का जो पॉलिटिक्स है देश में हर कोई समझ पा रहा है, क्योंकि सामने 2024 इलेक्शन है। और एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ मतलब 5-10 जन ही ऐसा लॉयर है जो पूरा कोर्ट को चलाता है, कपिल सिब्बल हो, राजीव धवन हो, ये आपका गोपाल सुब्रमण्यम जी हो, इस टाइप का कुछ लॉयर है, बड़ा दिग्गज लॉयर है। तो इस केस का जो नतीजा आर्टिकल 370 का किस हिसाब से आता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद वही कर सकता है कि आर्टिकल 370 हटने का बाद अगर जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ, वहां अमन एंड शांति आया, पूरा देश में वो चीज बेहतर हुआ, तो आगे वो आर्टिकल आने का कोई मतलब नहीं है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर किसी का मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ये ऑलरेडी लागू है, देश का पार्लियामेंट में ये पास हुआ है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में, वो भी बहुमत के साथ, उसके बाद फिर उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने का, मतलब दोनों में कुछ तो सेंस होना चाहिए, पार्लियामेंट में पास हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट में इसमें चैलेंज किया गया, अगर इसी हिसाब से हुआ तो किसका बेस या कौन सा सही है? तो ये सब चीज जनरली हर किसी का मन में जरूर आता होगा, लेकिन हाँ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का रूल रेगुलेशन उसी हिसाब से है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो टाइम आ गया है कि कुछ चीजों में ना बदलाव जरूरी है। मैं अगर एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए देश का रूलिंग गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है वो देश के लिए सही नहीं है, बार बार जो डिसीजन ले रहा है हर बार वो गलत डिसीजन है, तब पार्लियामेंट का ऊपर, सॉरी गवर्नमेंट का ऊपर सुप्रीम कोर्ट जरूर बोल सकता है। अगर सेम चीज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने टाइम पीरियड का जो टाइम होता है उनका, उस टाइम का ऊपर जो भी डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन मतलब देश का सुरक्षा के लिए, देश का वातावरण के लिए सही नहीं है, तो उसको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पोजीशन है वहां से रिमूव करा जा सकता है, तो उसके लिए भी प्रोविजन है आर्टिकल
124 है, जहां प्रेसिडेंट को एक ऑर्डिनेंस पास करा के पार्लियामेंट अपर हाउस लोअर हाउस में वोटिंग करा के उसको बहुमत साबित करके कर सकता है। तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन डिफाइन टाइप का चेंजिंग का जो प्रोसेस है ये सब है। लेकिन कोई भी संस्था जिस हिसाब से काम करता है वो समाज के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रोल होता है उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज साहब लोग बेहतर जानते हैं, तो वही मेरा मैसेज है आज आप सबको पहुंचाना। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।